दलित भाई के तकरीबन यहां पर गुलमर्गा फॉर्म के अंदर एसटीएसटी की ओर 85,000 है, तमाम कम्युनिटी की ओर ज्यादा है, गांव के अंदर बिहार के अंदर सिर्फ जनता दल की शरण विचार कर रहा है। This video presented by Raidan Multi Cuisine Restaurant. Variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen. Address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. इत्तेहाद और इत्तेफाक और एकता के साथ हमको विरोध में काम करना है। कल के उपेंद्र खान साहब के प्रोग्राम को कामयाब करना है। अभी यहाँ पर मशवरा चल रहा है, मैं ज्यादा वक्त लेकर आपको बता रहा हूं कि हमारा दहेज साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस एक मुनाफिक पार्टी है, हमेशा मिलत में अफरा तफरी मचाकर रोक देती है। इसलिए हमारा दहेज साफ हो, उसके बाद यहाँ पर इनके रस्ते और इनके गाइडेंस से इंशाल्लाह मैं चलूंगा। मैं लीडर नहीं हूं, वर्कर हूं, दलित से जुड़े हुआ आदमी। मुझे खुशी नहीं कि मैं नाराज होने वाला नहीं हूं। मुझे मेरा मकसद, मेरी बका कोई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, मेरी बका है तो जनता दल सिक्योर है। ये मेरी सोच है, क्योंकि कांग्रेस के पीछे 3 से 4 के पीछे हाथ धोने के करना मेरे को पसंद नहीं है। मुझे आजाद रहना पसंद है, उसके मैं नौजवान प्यार बाद में आजाद करना। मेरे को गुलामी करना पसंद नहीं है, कोई गुलामी करा रहे हैं मुझे वो भी पसंद नहीं है। मैं अपने लोगों को यही बोलना चाहता हूं, है हमारे भाई अपने खुद काम के लिए कांग्रेस में, मिल्लत के लिए कांग्रेस में नहीं हूं, मिल्लत के मुफाद के लिए, मिल्लत के मसाइल के लिए कांग्रेस में। आप तो हम तमाम लोग जानते हैं, जिलानाला कौमी इतिहास एनआरसी के मसले में 3.5 महीने परिषद में सत्याग्रह बैठा है, कोई पार्टी का लीडर नहीं था। हम एक सोशल वर्कर के हिस्से से आप लोगों के मदद से आप लोगों के ताउन पे बैठे, कोई सियासी पार्टी 3.5 महीने में करना कर्नाटक के इसके लिए कोई नहीं किया। ये बताना मकसद है कि हम जैसे लोग जो कोई सियासी पार्टी से नहीं रहते, पर भी ईश्वर रेड्डी साहब और जनता दल सेक्युलर को सपोर्ट करने का मकसद यही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मुकाम उनको मिल सकती थी हमारे लीडर को, चाहे शेख बबल हो, अली पटेल हो, एजाज भाई हो, तमाम लोगों को सिद्धांत में लो, इनको पार्टी वेलकम कर सकती थी, कांग्रेस पार्टी वेलकम कर सकती थी। ये इनकी जहनियत वो थी कि हमको गुलाम नहीं बनना है, मिल्लत को आजाद करना है, मिल्लत का इलेक्शन दिमागर सौंपने करना है। इसलिए लोग आजाद थे, फरोज दिन थे, इनके पास मिल्लत का जज्बा था, इसलिए लोग पार्टी एसी का इसको खत्म करने का काम भी ये कांग्रेस के लिए, ये बात को आप याद रखना होगा। अब हम तमाम लीडर्स अपने अपने बात रखकर करके प्रोग्राम की कामयाबी को चार चांद लगाएंगे और वो जो भी फैसला लेंगे उस प्रोग्राम के लिए मैं इनके साथ लबे खोलकर एक लेबर बनकर काम करने के लिए तैयार। अस्सलाम वालेकुम। साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत के लिए बढ़ती हुई मकबूलियत को देखा जा सकता है आपके इस मौजूदगी की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह कृष्णा रेड्डी साहब आज मैं समझता हूँ जनता दल का ये पहला कैंडिडेट है साउथ का जो कम वक्त में ज़्यादा मकबूलियत को हासिल कर चुका है। ये आप लोगों की दुआओं का असर है और ये आप लोगों की मौजूदगी का असर है।
तो इस मीटिंग का मकसद यह है, जैसे कि नौशाद भाई काफ़ी तवील अपनी स्पीच में कहा है कि कल अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं 5 बजे से 7 बजे, तो यहाँ के जो हमारे नॉर्थ के लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसे कह भी नहीं है, उन्होंने भी यहाँ पर आ सकते हैं जो वहाँ नहीं आना चाहे। तो बहरहाल जो है ना, यहाँ पर उबैदुल्ला साहब एक अजीम शख्सियत है हिंदुस्तान की, और उन्होंने 2 बार एम पी रह चुके हैं, राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं, बहुत अजीम शख्सियत है, हर समाज को हर तबके को उन्होंने अपनी ज़िंदगी सब किया है, और उनके पास भेदभाव नहीं था, इसीलिए किशोरडी जी काफ़ी जद्दोजहद रखने के बाद यहाँ पर उन्होंने टहल दिए हैं। किशन रेड्डी साहब की एक बात पे लबैक कहा है एक अजीम शख्सियत ने उबैदुल्ला साहब ने, बोले तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो मैं तमाम यहाँ पर आए हुए यही कहूँगा आए हुए लोगों से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात कराकर कल 5 से 7 बजे के दरमियान में 1-2.5 घंटे देने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करना है, तो वहाँ पर लाकर इस फंक्शन को कामयाब करने की, आपके साथ साथ हम भी जो है ना बिल्कुल वार्ड नंबर 40 हो या वार्ड नंबर 41 हो या हमारा जलानाबाद रोड एरिया 40 हो या फिर 27 हो, यहाँ पर चारों जगह से जो है ना आवाम को पूरा जागरूकता में लाकर उनको बोल कर समझा कर लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम 8 बजे खत्म होने वाला है, तकरीबन हमारे प्रचार करते रहेंगे ताकि कृष्णा रेड्डी और नासिर हुसैन साहब जीत सके आने वाले इलेक्शन में।